नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 5S स्टॉक्स में। आइए दोस्तों, बात करते हैं कल मार्केट कैसा रहेगा, कौन कौन से स्टॉक मूव कर सकते हैं और हमने जो आज लेवल दिया था वो कैसा काम किया। आज मार्केट में कौन कौन से लेवल एग्जीक्यूट हुए, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी 50 की। तो निफ्टी में मैंने बात किया था कि अगर मार्केट 18,140 के नीचे जाता है तो हम सेल साइड में बन सकते हैं, मैंने पुट ले सकते हैं। मार्केट वहीं पर ओपन हुआ, नीचे गया और नीचे फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया। आज थोड़ा एक्सपायरी थी तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल था। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 140 के जब दोबारा गया यहाँ पे 11 बजे और यहाँ पे किसी ने अगर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पुट में एंट्री लिया होगा तो उसे कुछ पैसे खाने को मिल गया होगा 10 मिनट की। वहाँ से वो 140 से वो करीब करीब यहाँ तक आ गया था, 90 तक 50 पॉइंट अगर वो एट दीवानी में गया होगा तो उसे अच्छा खासा पैसा मिला होगा। अब बात करते हैं कल मार्केट कैसा मूव कर सकता है। मैं जितने भी ड्राइंग से उसे रिमूव नहीं करूंगा, यही ड्राइंग रखूंगा। यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट कल कैसा मूव कर सकता है। जो लेवल अभी भी है 18,140 के ऊपर हम कोई एंट्री नहीं लेंगे, हम एंट्री लेंगे 18,184 के ऊपर। जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,242 के नीचे 42 तक। अब बात करते हैं अगर पुट साइड में कब एंट्री ले सकते हैं। पुट साइड में एंट्री लेने के लिए हम 18,045 के नीचे पुट साइड में एंट्री लेंगे और जो यहाँ का टारगेट हो सकता है वो आप लेके चल सकते हैं नीचे 17,920 तक का। मार्क कर देता हूं। जिन्होंने हमारा पोस्ट मार्केट वीडियो देखा होगा कल, उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी बनाया होगा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कर्म लेवल लगाया हुआ था कि 352 के नीचे जाते हम पुट साइड में एंट्री लेंगे। कहां तक के लिए? 159 तक के लिए। 352 के नीचे तो मार्केट निकला लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल रहने के चाचा कारण आप ज्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे, लेकिन तब भी आज खाली हाथ कोई भी नहीं गया दोस्तों। तो अब बात करते हैं कल के रिगार्डिंग कि कल कोई मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकता है। वैसे तो फ्राइडे को मोस्टली मार्केट उतना मूव नहीं देता है लेकिन तब भी आप मार्केट में देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। बात करेंगे कल के रिगार्डिंग। तो कल अगर हमें कोई ट्रेड लेना है तो सबसे पहले है 44,450 के ऊपर हम एंट्री लेंगे कॉल साइड के लिए, एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। दैट्स मीन कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी में छोटा सा स्टॉप लॉस तो मतलब ना के बराबर होता है लेकिन उसी में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जो कि आपका स्टॉप लॉस बन सकता है वो बन सकता है 42,400 के साथ आप कॉल साइड में जा सकते हैं। वहीं बात करें अगर पुट साइड की, पुट में क्या करेंगे तो पुट में आप जैसे मार्केट 42,300 के नीचे जाता है आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। जो आपका टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट बनेगा 42,159 का, उसके नीचे भी और टारगेट जो कि बन सकता है 41,900 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। आइए दोस्त बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के जिसे कल आप मार्केट में ट्रेस कर सकते हैं और साथ में आज हमारा जो स्टॉक था वो कैसा मूव किया। हमने कल दिया हुआ था हिंडालको, इंफोसिस, HDFC और टाटा मोटर्स। बात करेंगे पहले HDFC की। HDFC जो हमारा था वो था बाइंग लेवल 1641 पे। 1641 पे हमारा जो बाइंग लेवल था एक्टिवेट हुआ, वहां से मार्केट ज्यादा ऊपर तो नहीं गया लेकिन नीचे भी नहीं, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं खाया। तो अगर किसी ने थोड़ी समझदारी दिखाई होगी तो 1650 के ऊपर अपना बुक करके 10 रुपये इसमें आराम से 9-10 रुपये कमा लिया होगा, क्योंकि ना वहां से आपका एसएल खाया ना आपको 1653 रुपये का टारगेट दिया, तो यहां से किसी ने भी 8-9 रुपये आराम से कमा लिए होंगे। अब बात करते हैं इन्फोसिस, जिसे आज बहुतों ने भी ट्रेड लिया होगा। इन्फोसिस में हमारा जो बाइंग लेवल था वो था 1552 रुपये, जहाँ पर मार्केट गया ही नहीं। बात करें सेलिंग साइड के लिए, सेलिंग में हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था जो जाके बाद में स्टॉप लॉस खा गया, तो यहाँ पे आपको करीब करीब 8 रुपये का लॉस हुआ था इन्फोसिस में। मैं बात करें अगर टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स जो हमारा सेलिंग साइड था वो था 407 के नीचे सेल करना था। मार्केट ओपन तो हुआ और यहाँ से देखिए अच्छा खासा नीचे आया है, तो करीब जो हमारा पहला टारगेट था 400 का उसे वो आराम से टच कर दिया। तो यहाँ पे लोगों ने 7 रुपये यहाँ पे आराम से लोगों ने बनाया होंगे, नहीं 7 रुपये, किसी ने 6 बुक किया, किसी ने 5 बुक किया होगा, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा पैसे यहाँ बनाए होंगे क्योंकि कॉल साइड हमारा ट्रेड था एक्टिवेट नहीं हुआ था। अब बात करें हिंडालको की, जो हमने कल दिया हुआ था मार्केट में, ये तो कल का, इसे मैं रिमूव कर देता हूं। कल हमने दिया हुआ था कि
500 के ऊपर बाई करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 503 रुपया। पहला हमारा ट्रेड तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ लेकिन स्टॉप लॉस खा गया, तो हिंडेल्को भी हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। भाई हम बात करते हैं कल जो हम स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं वो कौन कौन से आप जो देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक जो आप बाई करेंगे वो करेंगे 1204 रुपये के ऊपर, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 1197 रुपये, तो टारगेट रहेगा आपका वो रहेगा 1211 और 1218। वहीं बात करते हैं अगर सेल साइड के लिए, तो 1196 के नीचे इंडसइंड बैंक को सेल करेंगे, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1203 रुपये, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, तो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 1187 रुपये और 1180 रुपये। आई बात करते हैं यूपीएल की। यूपीएल में जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि 749 रुपये के ऊपर यूपीएल बाई करेंगे विद स्टॉप लॉस 740, जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 758 और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 765। बात करेंगे सेल साइड के लिए अगर, तो जो यूपीएल का सेल करेंगे वो करेंगे 737 से, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 742, जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 728 और सेकंड टारगेट 720। एशियन पेंट, एशियन पेंट का रिजल्ट काफी अच्छा आया है तो इसमें मैं थोड़ा सा बुलिश रखूंगा क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है थोड़ा सा। अब बात करेंगे अगर एशियन पेंट की, अब ये कोई पूछेगा अच्छा आया तो ये इतना गिरा क्यों है, आप देख सकते हैं यहाँ से आज 1.50 से करीब करीब 2900 से नीचे गिर गया है, तो ये किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है, कोई जो बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने बड़े पैसे लगा रखे हैं उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, तब जाके आज करीब करीब 3% 2.69% आज एशियन बैंक में गिरावट आई है। एशियन बैंक कल जो बाई करेंगे वो करेंगे 2872 के ऊपर बाई करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा इसमें वो होगा 2894 रुपये, जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2863 रुपये। अगर बात करेंगे सेलिंग साइड की, तो सेलिंग साइड में एशियन पेंट 2857 के नीचे सेल करेंगे, जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2869 रुपये, यानी 2869 स्टॉप लॉस होगा, जो टारगेट होगा वो होगा 2843। एक स्टॉक और है दोस्तों, वो है टाटा मोटर्स। इसमें मैं कुछ किया नहीं हूँ लेकिन मैं ड्राइंग रिमूव करके आपको दिखाता हूँ कैसे वो होगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले टाटा मोटर में कैसे स्टॉक आप सिलेक्ट करते हैं, कैसे लेवल लगाते हुआ ये यहाँ भी आपसे कुछ सिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें जो हम बाई करेंगे वो करेंगे 407 के ऊपर, और 407 क्यों करेंगे कि यहीं से आज रिजेक्शन मार्केट खुलते नीचे गया है, तो 407 के ऊपर बाई करेंगे, जो स्टॉप लॉस में लगेगा वो लगेगा छोटा सा स्टॉप लॉस 404 का 2-3 रुपये का, जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 412 रुपये पहला टारगेट, और सेकंड हम यहाँ लेके चल सकते हैं 415 रुपये। बात करेंगे सेलिंग साइड के लिए, तो सेलिंग साइड में 400 के नीचे, हाँ 400 के नीचे आप आराम से सेलिंग साइड में जा सकते हैं, मार्केट यहीं खुल के 2 कैंडल बनता है, आप 400 के नीचे आराम से सेल कर सकते हैं, जो आपका टारगेट रहेगा नीचे का वो रहेगा करीब करीब आपको 395 तक का। अब 395 अपने टारगेट में कैसे बता रहा हूँ, अगर आप इधर जाएंगे थोड़ा सा देखिए यहीं पे कितना बार यहाँ मार्केट यहाँ कितना बार आके सस्टेन किया है, तो यहाँ तक के लिए आप टारगेट आराम से ले सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इंट्राडे लेवल प्रोवाइड करते हैं लाइव मार्केट में, साथ में हम वहाँ पे कुछ कॉल्स पुट प्रोवाइड करते हैं जो लर्निंग के लिए होते हैं, जहाँ पे आप देख के अपना मार्केट का व्यू देख सकते हैं कि क्या जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए सफिशियंट है कि नहीं। और ऐसे ही हमारे प्यार बरसाते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।